हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 6। आइए देखते हैं कार्प कैम्बियम के बारे में। कार्प कैम्बियम क्या होता है इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखें ध्यान से, जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि हो जाती है, वैसे वैसे बाहरी बलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतहें टूटती जाती हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे तने की परिधि में, ठीक है, तने की परिधि जो है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वृद्धि होता जाएगा, वैसे वैसे जो बाहरी बलकुट होता है तथा बाह्य त्वचा की सतहें टूटती जाती हैं और उन्हें नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब जो है बाहरी बलकुट और बाह्य त्वचा की सतहें टूटती जाएंगी, तब इनको अब एक नई परत की जरूरत होती है, एक नई सतह की जरूरत होती है, ठीक है, नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती है। इसलिए एक दूसरे मेरिस्टेमी ऊतक तैयार हो जाता है, जिसे कार्प कैम्बियम अथवा कागजान कहते हैं, ठीक है। तो अब एक नया ऊतक तैयार होता है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, जिसे कार्प कैम्बियम अथवा कागजान कहते हैं। यह प्रायः बलकुट क्षेत्र में विकसित होता है। देखें ध्यान से फिगर, इस फिगर को देखें, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यह कब बनेगा, जब तने की परिधि में वृद्धि होती जाएगी। जब तने की परिधि में जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे बाहरी बलकुट, ठीक है, जो बाहरी बलकुट होगा और बाह्य त्वचा होगा, वह टूटने लगेगा। बाह्य त्वचा और बाहरी बलकुट क्या होगा, टूटने लगेगा, ठीक है। अब उन्हें एक नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होगी, ठीक है, जो एक दूसरे मेरिस्टेमेटिक ऊतक से तैयार होगा, जिसे कार्प कैम्बियम कहते हैं। तो यह आप देखें ध्यान से, यह आपका कार्प कैम्बियम है, एक नई ऊतक है मेरिस्टेमेटिक ऊतक, जो कार्प कैम्बियम है, और इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं द्वितीयक बलकुट है। अंदर क्या है, द्वितीयक बलकुट है, ठीक है। यह कहां विकसित होता है, कार्प कैम्बियम प्राथमिक बलकुट के क्षेत्र में, ठीक है। यह कहां है, प्राथमिक बलकुट क्षेत्र, द्वितीयक बलकुट क्षेत्र, ठीक है। तो बलकुट क्षेत्र के रीजन में यह विकसित होता है कार्प कैम्बियम, और इसके सामने वाले जो परत होते हैं वे टूट जाते हैं धीरे धीरे, बलकुट और बाह्य त्वचा टूट जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कार्प कैम्बियम क्या होता है, कार्प कैम्बियम जो है एक नई संरक्षी परत होती है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक से तैयार होती है, इसको कार्प कैम्बियम कहते हैं। यह सुरक्षा देने का काम करती है और यह बलकुट क्षेत्र में विकसित होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे बाहरी बलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतहें टूटती जाती हैं और उन्हें नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती है। इसलिए एक दूसरे मेरिस्टेमी ऊतक तैयार हो जाता है, जिसे कार्प कैम्बियम अथवा कागजान कहते हैं। यह प्रायः बलकुट क्षेत्र में विकसित होता है, ठीक है। यह कुछ सतही मोटी और सकरी पतली भित्ति वाली आयताकार कोशिकाओं की बनी होती है। कार्प कैम्बियम जो है कैसे बनी होती है, तो कार्प कैम्बियम जो है कुछ सतह, ठीक है, कुछ सतही मोटी और सकरी पतली भित्ति वाली आयताकार कोशिकाओं की बनी होती है। कार्प कैम्बियम अथवा कागजन कुछ सतही मोटी और सकरी पतली भित्ति वाली आयताकार कोशिकाओं की बनी होती है। कागजन दोनों ओर कोशिकाओं को बनाता है, ठीक है। जो कार्प कैम्बियम है अर्थात कागजन, यह दोनों ओर कोशिकाओं को बनाता है। बाहर की ओर की कोशिकाएं कार्क अथवा काग में बट जाती हैं, ठीक है। जो बाहर की ओर कोशिकाएं बनती हैं वे कार्क अथवा काग में बट जाती हैं, ठीक है, जिसे फिल्म कहते हैं, इंग्लिश में फिल्म कहते हैं। और अंदर की ओर की कोशिकाएं द्वितीयक बलकुट
अथवा काग स्तर में विभेदित हो जाती हैं। ठीक है, अंदर की जो कोशिकाएं हैं वह द्वितीयक बलकुट अथवा काग स्तर में विभेदित होती हैं, जिसे फेलोडर्म कहा जाता है। ठीक है, तो फेलोडर्म बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कार्केम्बियम अथवा जो कागजन है, ठीक है, अर्थात फेलोजन, फेलोजन जो है वह बाहर की तरफ फेलेम बनाता है और अंदर की तरफ फेलोडर्म बनाता है। कार्क में पानी प्रवेश नहीं कर सकता, फेलेम में पानी प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति पर सुवेरीन जमा होता है। ठीक है, कार्क में अर्थात फेलेम में पानी प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति पर सुवेरीन जमा होता है। द्वितीयक बलकुट की कोशिकाएं पैरेन्काइमी होती हैं। ठीक है, जो द्वितीयक बलकुट है अर्थात काग स्तर फेलोडर्म, इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? पैरेन्काइमी होती हैं। ठीक, कागजन काग तथा काग स्तर, कागजन काग तथा काग स्तर मिलकर परिचर्म बनाते हैं। ठीक है, पेरिडर्म बनाते हैं। फेलोजन, फेलेम तथा फेलोडर्म मिलकर क्या बनाते हैं? पेरिडर्म बनाते हैं। ठीक है, फेलोजन, फेलेम, फेलोडर्म तीनों मिलकर पेरिडर्म बनाते हैं। हिंदी में कागजन काग तथा कागस्तर मिलकर परिचर्म बनाते हैं। ठीक है, कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण, कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण बलकुट की बाहरी परत तथा बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है। ठीक है, कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण बलकुट की बाहरी परत तथा बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है और अंततः ये परतें मृत हो जाती हैं। ठीक है, और उतर जाती हैं। क्रियाशील कार्केम्बियम की बाहर जितनी भी मृत कोशिकाएं होती हैं उन्हें छाल बल्क कहते हैं। ठीक है, उन्हें छाल कहते हैं, पौधे का छाल बल्क कहते हैं, बार्क कहते हैं, जो मृत होती हैं, जो बाहर की ओर होती हैं। ठीक है, आप कार्केम्बियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कार्केम्बियम के बारे में आपने देखा, जिसे फेलोजन भी कहते हैं, कागजन भी कहते हैं, इसमें आपने देखा कि जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे त्यों त्यों बाहरी बलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतहें टूटती जाती हैं और उन्हें नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती है। इसलिए एक दूसरे मेरिस्टेमी ऊतक तैयार हो जाता है जिसे कार्केम्बियम अथवा कागजन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? फेलोजन कहते हैं। यह प्रायः बलकुट क्षेत्र में विकसित होता है। ठीक है, यह कुछ सतही मोटी और सकरी पतली भित्ति वाली आयताकार कोशिकाओं की बनी होती हैं। ठीक है, यह कैसी होती हैं? यह कुछ सतही मोटी और सकरी पतली भित्ति वाली आयताकार कोशिकाओं की बनी होती हैं। कागजन दोनों ओर कोशिकाओं को बनाता है। कागजन जो है, फेलोजन जो है, वे दोनों ओर कोशिकाओं को बनाता है। बाहर की ओर की कोशिकाओं को कार्क अथवा काग में बढ़ जाती हैं। जो बाहर की ओर की कोशिकाएं हैं वह किस में बढ़ जाती हैं? काग अथवा कार्क में बढ़ जाती हैं, फेलेम में। और अंदर की ओर की कोशिकाएं द्वितीयक बलकुट अथवा काग स्तर में विभेदित हो जाती हैं, फेलोडर्म में विभेदित हो जाती हैं। ठीक है, तो जो आपका बाहर की ओर कोशिका है कार्क अथवा काग, इसमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति पर सुबेरीन जमा होता है। ठीक, द्वितीयक बलकुट की कोशिकाएं पैरेन्काइमी होती हैं। कागजन काग और काग स्तर मिलकर परिचर्म बनाते हैं। कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण बलकुट की बाहरी परत तथा बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है। ठीक है, कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण बलकुट की बाहरी परत तथा बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है और अंततः, ठीक है,
और लास्ट में अंततः जो है ये परते मृत्यु हो जाती हैं। अंततः क्या होता है, ये परते मृत्यु हो जाती हैं और उतर जाती हैं। ठीक है, क्रियाशील कार कैम्बियम के बाहर जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं उन्हें छाल बल्क कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, छाल बल्क बार्क कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कार कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण बल्कुट की बाहरी परत तथा बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है और अंततः ये परतें मृत हो जाती हैं और उतर जाती हैं। क्रियाशील कार कैम्बियम के बाहर जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं वे छाल बल्क बनाते हैं, बार्क बनाते हैं। ठीक है, छाल बल्क अर्थात बार्क एक गैर तकनीकी शब्द है। छाल बल्क अर्थात बार्क कैसा शब्द है, एक गैर तकनीकी शब्द है जो वाहिका कैम्बियम से बाहर तक ऊतकों को संदर्भित करता है। छाल बल्क जो है बार्क एक गैर तकनीकी शब्द है जो वाहिका कैम्बियम से बाहर तक के ऊतकों को संदर्भित करता है, अतः इसमें द्वितीयक फ्लोएम भी शामिल है। ठीक है, तो छाल बल्क जो है एक गैर तकनीकी शब्द है जो वाहिका कैम्बियम से बाहर तक के ऊतकों को संदर्भित करता है, अतः इसमें द्वितीयक फ्लोएम भी शामिल है। मौसम के शुरुआत में जो छाल बनती है उसे प्रारंभिक या कोमल छाल कहते हैं। ठीक है, मौसम के शुरुआत में जो छाल बनेगी उसको क्या कहेंगे, प्रारंभिक या कोमल छाल कहते हैं, और मौसम के अंत में बनने वाली छाल को पश्च या कठोर छाल कहते हैं। मौसम के अंत में बनने वाली छाल को पश्च या कठोर छाल कहते हैं। छाल बल्क की रचना में विभिन्न प्रकार की सम्मिलित कोशिकाओं के नाम लिखिए। ठीक है, छाल बल्क में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं उनका आप नाम लिखें कमेंट बॉक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। कुछ क्षेत्रों में कागजन, ठीक है, कुछ क्षेत्रों में कागजन अर्थात हेलोजन कार्क कोशिकाओं के बजाय बाहर की ओर पैरेन्काइमी कोशिकाएं बनाता है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में कागजन जो है वह कार्क कोशिकाओं के बजाय बाहर की ओर पैरेन्काइमी कोशिकाएं बनाता है। ठीक है, ये पैरेन्काइमी कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाती हैं। ठीक है, और लेंस के आकार की छिद्र बनाती हैं जिसे वातरंध्र कहते हैं। ठीक है, तो कुछ क्षेत्रों में कागजन जो है कार्क कोशिकाओं के बजाय बाहर की ओर पैरेन्काइमी कोशिकाएं बनाता है। ये पैरेन्काइमी कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाती हैं और लेंस के आकार की छिद्र बनाती हैं जिसे वातरंध्र कहते हैं। ये बाहरी वायुमंडल तथा तने की भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, जो वातरंध्र हैं ये बाहरी वायुमंडल तथा तने की भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये अधिकांश काष्ठी वृक्षों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो वातरंध्र है वह किस में पाए जाते हैं, काष्ठीय वृक्षों में पाए जाते हैं। छेद जो होता है, छिद्र जो होता है वातरंध्र के रूप में, और इनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था कार्क कैम्बियम के बारे में और वातरंध्र के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मूल में द्वितीयक वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।